जय जिनेन दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन टेस्ट बर्ड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं सबका पसंदीदा चाइनीज़ समोसा। इट इज़ अ परफेक्ट पार्टी स्नैक। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके हम इसको बनाते हैं। एक तरफ हम नूडल्स बॉईल करने के लिए रख देते हैं। ये करीब हमने 1.5 कप नूडल्स तोड़ के ले लिए हैं और उनको बॉईल करने चढ़ा दिया है। अब एक पैन में हम 1/2 कप सो कॉल्ड 8 टेबल स्पून शुगर लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे हम बस ऐसे ही स्टर करते जाएंगे ब्राउन होने तक। ये देखिए, इसको हम चलाते रहेंगे, ये अपने आप मेल्ट होने लग गई है। शुगर अब मेल्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पानी करीब 20 टेबल स्पून के लगभग हमने पानी लिया है, या ये कीजिए जिससे हमने शुगर नापी थी उतना 3 कप वाटर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको हम चलाते जाएंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून अभी ऐड किया है, 2 टेबल स्पून हम बाद में ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे यहाँ पे। इसको हम फिर अच्छे से मिक्स करके चलाते जाएंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून और ऐड कर दिया। इससे करीब हमारा 7 से 8 टेबल स्पून सॉस रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा सब्स्टिट्यूट ऑफ सोया सॉस इज परफेक्टली रेडी। अब हमारा सेकेंड स्टेप है फिलिंग रेडी करना। यहाँ मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। इसमें मैंने 2 कप पत्ता गोभी डाली है, 3/4 कप मैंने यहाँ कैप्सिकम लिया है, शिमला मिर्च, और 1 हरी मिर्च काट के इसमें डाल दी है। यहाँ पे स्वीट कॉर्न्स लिए हैं मैंने 3/4 कप, बॉईल करके थोड़ा सा इसको काट लिया है हल्का, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज आंच पे इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। अब इसमें हम 2 कप नूडल्स ऐड कर रहे हैं जो हमने बॉईल करके वॉश करके ले लिए हैं। यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो तेज फ्लेम पे करने का रीज़न यही रहता है कि इसके जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून के लगभग ही हम यहाँ पे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम जो हमने एक सब्स्टिट्यूट बनाया था सोया सॉस का, वो वाला सॉस इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। यकीन मानिए, इसका टेस्ट बिल्कुल सोया सॉस के जैसा ही लगता है और बिना फर्मेंटेशन के होता है, इसलिए हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरे प्रोसेस को जो हमने फिलिंग स्टार्ट की थी और एंड करेंगे, ये टोटल 3 मिनट से अबव नहीं ले जाना हमें। इसमें हम 1 से 1.5 के लगभग लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी है। इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे हम इसको। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है आटा लगाने का। यहाँ मैंने 20 टेबल स्पून गेहूँ का आटा ले लिया है। उसमें मैंने 4 टेबल स्पून घी ऐड किया है, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी पहले ड्राई को। इसको मैंने फोक की सहायता से अच्छे से मिक्स किया है यहाँ पे।
अब हम इसका एक आटा लगाएंगे, उससे पहले हम इसको बाइंड करके देखेंगे कि ढंग से बाइंड हो रहा है। तो हमारा जो हमने इसमें मोयन के तौर पे घी डाला है वो सही है कि नहीं है, ये देखिए अच्छे से बन गया है। और ये बिखरने से दिख रहा है कि पूरा अच्छे से इसमें मिक्सअप हुआ है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक टाइट आटा गूंथ लेंगे। आटा पूरी जितना टाइट भी नहीं रखना है, लेकिन रोटी जितना नरम भी नहीं बनाना है आटे को। इस पर थोड़ा घी डाल के इसको थोड़ा सा मत के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए इसको रखेंगे। अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। 15 मिनट्स हो गए हैं, आटे को निकाल के एक बार हम वापस मिक्स कर लेंगे। अब इसका एक पार्ट निकाल के हमने इसको रोल कर लिया है। इसको बराबर प्रोपोर्शन में हम काट लेंगे। जो हम लोई लेंगे वो करीब पूड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। पूड़ी बनाने के जितना हम लेते हैं उससे थोड़ा सा नाम का सा ज़्यादा होगा। और पूड़ी से थोड़ा पतला बेलेंगे इसको हम। अगर ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा नीचे आप घी लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आटा रख डाल के इसको आप बेल सकते हैं। ये हमारी लोई तैयार हो गई है। इस पूरे आटे से करीब हमारे 29 to 30 मिनी चाइनीज समोसे रेडी हो जाएंगे। इसको हम बेलेंगे, इसको राउंड नहीं बेल के हम इसको थोड़ा सा ओवल बेलेंगे। इसको दो इक्वल पार्ट्स में हम बीच में से कट कर लेंगे। एक कटोरी में थोड़ा पानी रख लीजिए। इसको हम इस तरह से, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से, इसको हम मिक्स इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको थोड़ा पानी लगा के इनको फोल्ड करेंगे हम। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। और नीचे से प्रॉपर आपको देखना है कि जो भी आप ये कोन की तरह इसको बना रहे हैं ये कहीं से भी खुला ना रहे। देखिए सब तरफ से हमारा सेटेड है। अब इसमें हम फिलिंग को डालेंगे। ओवरलोडेड फिलिंग नहीं करनी है हमें। फिलिंग 3/4 ही आए इतनी करनी है। अब इसमें हम पानी लगाएंगे साइड्स पे सब तरफ। और एक इस तरह की हम एक छोटी सी पीट डालेंगे इस पर। ये देखिए फोल्ड किया हमने इधर, और इसको साथ वाली साइड से पेस्ट कर देंगे। अच्छे से दबा के इसको पूरा पैक कर देंगे। कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा आपका। अब इसको हमें लिटाना नहीं है, इसको थोड़ा खड़ा ही रखना है। समोसे किसी भी प्रकार के बनाएं उनमें थोड़ी हवा लगती रहनी चाहिए, तभी वो अच्छे बनते हैं। इसका दूसरा पार्ट हमने लिया, इस पर भी हमने पानी लगा लिया है। एक कोन की तरह हम इसको रेडी कर रहे हैं। ये देखिए कहीं भी छेद नहीं दिख रहा, नीचे कहीं से भी ओपन स्पेस नहीं दिख रही है, पूरा अच्छे से टाइटली हमने इसको रैप कर दिया है। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। दो पार्ट्स जैसे हमने मिलाए थे उसके जस्ट अपोजिट साइड पे हम पीट्स डाल रहे हैं, और उसको आपस में पानी लगाने के साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए कोई भी चीज़ बनाने में थोड़ा पेशेंस तो चाहिए होता है,
बट चीज़ यकीनन बहुत अच्छी बन के बाहर आती है। फिर इसी तरह से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। अब हम एक पैन लेते हैं या थोड़ा कुकर में भी बना सकते हैं इसको। ये हमने मोटे तले की कढ़ाई टाइप पैन लिया है, इसमें मैंने करीब 1 इंच के लगभग नमक डाला है और उसके ऊपर जाली रख दी है, और बाकी सारे जितने भी हमारे समोसे हमने थोड़े बहुत रेडी किए हैं उनको ग्रीस करा है हमने घी से। हल्का हल्का घी लगा के हम उसको ग्रीस कर लेंगे और उसको हमने 10 मिनट के लिए प्री हीट के लिए रख दिया है नमक के साथ ढक्कन लगा के। और अब हम इसको एक ट्रे में प्रॉपरली सेट करके उस जाली के ऊपर रख देंगे और इसको कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। बट सबकी गैसेस अलग होती हैं, फ्लेम्स अलग होती हैं, तो बेटर है कि हम इसको 20 से 22 मिनट के बाद एक बार चेक कर लें। ये देखिए एकदम से अच्छा सेक गया है, इसको टर्न ऑन कर दीजिए, चेक कर लीजिए इसको। अब 10 मिनट के लिए इसको और हम करेंगे बेक। हमारे यमी चाइनीज समोसे बिल्कुल रेडी हैं। देखिए आप चाहें तो इसको तल के भी खा सकते हैं, बट हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बेक बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, सेम टेस्ट आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी इसके रिव्यूज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके सजेशंस को हम वेलकम करते हैं। प्लीज़ सजेस्ट करें क्या सही है क्या गलत है, तो हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।